अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इंडस जर्नी यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे हैं और आपको इंडस जर्नी की वीडियोस भी अच्छी लग रही होंगी और आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा चेंज लेके आया हूँ। इसमें मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA की टिकट प्राइस सेप्टेम्बर के फर्स्ट वीक की मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 31 अगस्त 2021 है। कराची टू लाहौर आपने देख लिया टिकट प्राइस, और लाहौर टू कराची अगर हम देख लें तो 1 सितंबर से 7 सितंबर तक अगर आप प्राइस देखें तो 7,230 रुपये है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कराची टू क्वेटा अगर हम देख लें तो 8,550 रुपये में आपको टिकट मिल जाएगा। ये सितंबर के फर्स्ट वीक की आपको तमाम जो सिटीज़ हैं जहाँ पे PIA ऑपरेट होती है उसकी मैं आपके साथ इस वीडियो में मालूमात शेयर करूँगा। आपने वीडियो को एंड तक देखते रहना है। इस्लामाबाद टू कराची की अगर हम बात कर लें तो 6,410 रुपये 7 तारीख को कराया और ज़्यादा से ज़्यादा 9,370 रुपये है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो कराची टू क्वेटा की है। कराची टू क्वेटा 8,550 रुपये में आपको 6 दिन फ्लाइट अवेलेबल है। क्वेटा टू कराची की अगर हम बात कर लें तो 8,550 रुपये में आपको टिकट मिल जाएगा अगर आप PIA से ट्रैवल करना चाहते हैं। मोस्टली PIA ही पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा सिटीज़ को टच करती है। पेशावर बाचा खान से कराची का किराया 8,550 रुपये है जिस वक्त के मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो कराची टू पेशावर भी सेम फेयर है, 8,550 रुपये अगर आप PIA से ट्रैवल करना चाहते हैं। PIA की नेक्स्ट अगर हम रूट को देख लें तो कराची टू स्कर्दू बहुत हॉट है रूट और किराया भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। हाईएस्ट 20,760 रुपये और लोएस्ट 15,770 रुपये। अगर हम स्कर्दू टू कराची की बात कर लें तो सीट ही अवेलेबल नहीं है, और जहाँ पे सीट है 7 तारीख 24,200 रुपये और 5 तारीख को 15,000 रुपये में। स्कर्दू टू लाहौर की अगर हम बात कर लें तो जहाँ पे भी सीट की कमी है और हाईएस्ट 17,000 रुपये और लोएस्ट तकरीबन 15,770 रुपये में आपको टिकट मिलेगा। लाहौर से स्कर्दू की अगर हम बात कर लें तो कम से कम किराया 11,820 रुपये है और ज़्यादा से ज़्यादा 13,630 रुपये, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। लाहौर से स्कर्दू, इस्लामाबाद से स्कर्दू की बात कर लें तो कम किराया आ रहा है, 8,200 रुपये में आप ट्रैवल कर सकते हैं 7 तारीख को, और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा 11,000 रुपये किराया है। स्कर्दू टू इस्लामाबाद की अगर हम बात कर लें तो सीट अवेलेबल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इस वक्त हाईएस्ट पीक चल रही है। गिलगित टू इस्लामाबाद की अगर हम बात कर लें तो 10,500 रुपये से 13,300 रुपये तक आपको टिकट मिल जाएगा सितंबर के फर्स्ट वीक की मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। इस्लामाबाद टू गिलगित अगर हम बात कर लें तो 7,380 रुपये कम से कम कराया है। लाहौर से गिलगित की अगर हम बात करें तो 11,000 रुपये में आपको टिकट मिलेगा, इसके अलावा फ़्लाइट जो है 2 दिन ही अवेलेबल है। लाहौर से क्वेटा अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो PIA आपको 8,550 रुपये में ले जाएगी आपको ये फ़्लाइट। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो क्वेटा टू लाहौर अगर आप वापस आते हैं तो 8,550 रुपये में आपको चार्ज करेगी PIA। इसके अलावा इस्लामाबाद टू चित्राल की बात कर लें तो 6,720 रुपये में टिकट अवेलेबल है, 2 दिन की फ़्लाइट है। इस्लामाबाद टू सैदू शरीफ कोई भी फ़्लाइट अवेलेबल नहीं है जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पर। तो अब एंड में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के बारे में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है, क्या आप वीकली जो है वीडियो इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।